नमस्कार, मैं लखबीर चहल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ नीर डोसा, जो मैंगलोर और उडुपी रीजन है जो कर्नाटका के, उसमें बहुत ही फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। ये डोसा जो रेगुलर डोसा है उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये सॉफ्ट है, एकदम क्रिस्पी नहीं होता। तो मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, इसको कम से कम लगभग आधा घंटा हो गया भिगो के। इसमें अगर आपको थोड़ा फ्लेवर चाहिए तो इसमें कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट आप डाल के चावल को कोकोनट के साथ में पेस्ट कर सकते हो। इसमें बस दो ही चीज़ें चाहती है, नमक, चावल, और इसमें तो पानी डाल लेंगे इसको पतला करने के लिए, और उसके बाद ग्राइंड कर देते हैं इसको। इसको फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं जो हमने भिगाया हुआ है। हमने चावल का पेस्ट कर लिया है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी कंसिस्टेंसी। तो आप देखिए, इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट पानी डाल के। इसमें अभी पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए पतला, वाटर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, वाटरी। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम आधा घंटा रखेंगे। आधे घंटे के बाद हम इसका डोसा बनाएंगे, नीर डोसा। हमें इसको एकदम सफ़ेद निकालने का है, कलर नहीं देने का है, लेकिन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये एक साइड में पकेगा, दूसरा स्टीम में पकेगा। तो हम चलो पैन गरम कर लेते हैं अपना। पैन गरम करके इसके ऊपर हम लोग अपना डालेंगे डोसा बैटर। हमारा पैन गरम हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर। आप देख सकते हो ढक देते हैं।